जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालोसी अड्डा में। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में, जिनसे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें जो प्रश्न जो होते हैं जरूर पूछे जाते हैं, शाखाओं से पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम 10-20 नहीं बल्कि यहाँ पर हम 100 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीव विज्ञान के लगभग 100 शाखाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप YouTube पर ऐसा वीडियो कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको किसी ने एक साथ में 100 ब्रांचेस के बारे में नहीं बताया होगा। तो चलिए हम लोग क्लास में देखते हैं कि ये जो 100 ब्रांचेज हैं जिसको आज हम जानेंगे, एक ही वीडियो में हम पूरे जान लेंगे वो ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति जो कि प्रतियोगी परीक्षा का क्या करता है, तैयारी करता है, उसको ये वीडियो मिले और वो क्या कर सके, अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ओके जी, अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक शाखा है जिसका नाम है, देखिए, साइटोलॉजी। एक शाखा है जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो साथियों, यहाँ पे हम साइटोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये साइटोलॉजी होता क्या है। तो देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके कोशिका के संरचना एवं कार्य का ध्यान से समझेंगे। किसके स्टडी करनी है? संरचना और कार्य का, यानी कि इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के स्टडी करेंगे। किसकी मदद से? सूक्ष्मदर्शी की मदद से। तो साथियों, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की मदद से अगर हम कोशिका के संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। और साथियों, आपसे पूछा जाए कि बताइए साइटोलॉजी के फादर कौन है, साइटोलॉजी के फादर कौन है? तो साइटोलॉजी के फादर है रॉबर्ट हुक। फादर कौन है साथियों? वो है रॉबर्ट हुक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे ब्रांचेस की, जो कि है मॉर्फोलॉजी। तो साथियों, मॉर्फोलॉजी क्या होता है आप समझेंगे, मॉर्फोलॉजी होता क्या है देखिएगा। देखिए, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी होता क्या है कि जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन, जीवों के जो शरीर होते हैं उनके बाहरी संरचना का जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? उसी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग एनाटॉमी की, तो साथियों हम जीवों के शरीर की जब आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो जीवों के शरीर के आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं साथियों? हम कहते हैं इसे एनाटॉमी। अब देखेंगे, अब जो चौथा ब्रांच है हमारे पास वह है सेल बायोलॉजी। ऊपर था साइटोलॉजी, नीचे है सेल बायोलॉजी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, साइटोलॉजी में हम केवल कोशिका के संरचना और कार्य का ही अध्ययन करते हैं, जबकि सेल बायोलॉजी में हम उसके संरचना का भी अध्ययन करते हैं, उसके कार्य का भी अध्ययन करते हैं, उसके बायोकेमिस्ट्री का भी अध्ययन करते हैं, उसके रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके जेनेटिक्स का भी अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि कोशिका का संरचना, कार्य, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, प्रजनन और अनुवांशिकता इत्यादि का अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों? यह कहलाता है सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं पांच नंबर जो ब्रांच है फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में हम किसके स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, हम भोजन करते हैं तो भोजन का डाइजेशन होता है, यानी कि पाचन होता है। हम सांस लेते हैं, फिर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो ब्लड होता है वो पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का कार्य करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, उत्सर्जन की प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को साथियों हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। एक साथ में क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो साथियों, जैव प्रक्रम के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। तो देखिएगा, जैव प्रक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। अब है बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव अणु। इंग्लिश में इसको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो साथियों, हमारे शरीर में जो बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? जैव अणु का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? बायो
केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वह है बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स में किसके स्टडी करते हैं इसको हम जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जीवों में भौतिक क्रियाओं तथा परिघटनाओं का अध्ययन, जीवों में भौतिक क्रियाओं तथा परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है बायोफिजिक्स, यानी कि ए स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस एंड फेनोमेनन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के शरीर में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, परिघटनाएं होती हैं, उन्हीं के स्टडी को हम क्या करते हैं, बायो फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल बायोलॉजी की। तो साथियों ये केमिकल बायोलॉजी है क्या इसको हम जानते हैं, तो जैवीय समस्याओं के हल के लिए केमिस्ट्री का प्रयोग अध्ययन करना, यानी कि मान लेते हैं कि जीवों के शरीर में यानी जो लिविंग सिस्टम है उसमें किसी प्रकार का कोई बायोलॉजिकल समस्या उत्पन्न हो गया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, तो उसी के समाधान के लिए जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए, तो साथियों इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बायोलॉजी कहते हैं। अब है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब क्या साथियों, अब है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आखिर ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, पादपों एवं जंतुओं में वृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, किसकी बात की जा रही है साथियों, ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी कि जीवों में चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, पादप हो चाहे जंतु हो, अगर हम उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंटल या डेवलपमेंटल बायोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी। ठीक है जी, ओके। अब है इकोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि इकोलॉजी। अब देखिए, जीव और उसके परिवेश के बीच अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन। देखिएगा, जैसे कि हम हैं तो हमारे चारों तरफ क्या वातावरण है, तो जैसे कि हम जीव हैं और हमारे चारों तरफ वातावरण है, तो जीव और ये जो वातावरण है उनके बीच में एक प्रकार का इंट्रैक्शन होता है, अनोन्य क्रिया होता है, और इसी की स्टडी को, इसी के अध्ययन को हम कहते हैं साथियों क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। अब देखिए, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होता क्या है समझिएगा, सजीवों के क्रम विकास यानी कि जीवों का इवोल्यूशन, फिर सराउंडिंग परिवेश और अनुकूलन का अध्ययन, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन हैबिटेट्स एंड एडाप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब हम जीवों के इवोल्यूशन की बात करेंगे, उनके आवास की बात करेंगे और साथ ही साथ उनमें जो अनुकूलन पाया जाता है उसकी बात करेंगे, तो साथियों उसे हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब बात करते हैं जेनेटिक्स का, तो साथियों समझने का प्रयास करेंगे जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन या इनहेरिटेंस और वेरिएशन के क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं। अब बोलेंगे ये हेरिडिटी क्या होता है और ये वेरिएशन क्या होता है, आप समझिए। जैसे देखिए क्या होता है कि हम हैं तो हमारे शरीर में कुछ गुण क्या होता है, हमारे पिताजी का है, कुछ गुण हमारे माताजी का है, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो कुछ जो कैरेक्टर है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी कि जो हमारे माता पिता का जनरेशन है वहां से हमारे शरीर में जो कैरेक्टर आए हैं तो एक पीढ़ी से क्या हो रही है, दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इनहेरिटेंस कहते हैं, वंशागति कहते हैं। और जैसे देखिएगा, अगर मानते कि हम दो भाई हैं तो हमारे दोनों भाइयों में समानता नहीं है, असमानता है, और यहाँ तक कि हमारे माता पिता में भी समानता नहीं है, यानी कि हम और हमारे माता पिता क्या होंगे, डिफरेंट है। तो साथियों इसी गुण को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं, वेरिएशन। और जब हम वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहेंगे साथियों, जेनेटिक्स, ओके। और एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर
जॉन मेंडल। कौन है साथियों? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट और ब्रांचेज की। बहुत सारे ब्रांचेज पढ़ने हैं साथियों, जितना कि हमने आपको बताया है कि हम लोग बात करेंगे 100+ ब्रांचेज के बारे में। ओके, तो जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे सामने वह है इम्यूनोलॉजी। तो बच्चों और साथियों ध्यान देंगे आप, इम्यूनोलॉजी होता क्या है? इम्यूनोलॉजी होता है क्या, जैसे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि क्या करता है कि रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं से क्या करता है हमारे शरीर को बचाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब कोई बाहर से रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब यह सिस्टम उसके ऊपर क्रिया करता है और उसे मार देता है, ठीक है, या उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो साथियों ये प्रतिरक्षा तंत्र है, जैसे कि कोरोना काल में जैसे कहा गया था कि अपनी इम्यूनिटी को क्या करें तो दुरुस्त करें, यानी कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, क्षमता बढ़ाएं, ताकि आपको कोरोना ना हो। तो साथियों आपको भी क्या करनी है, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि आपने रोज न्यूज में देखा है कि कोरोना क्या हो रहा है, फिर से रिटर्न होने वाला है, ठीक है। तो साथियों डरना नहीं है, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इम्यून सिस्टम, क्योंकि आपने क्या कर लिया है साथियों, वैक्सीन लगवा लिया है, अब इम्यूनोलॉजी होता है क्या, सभी जीवों में प्रतिरक्षा तंत्र का है, ठीक है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसकी हम स्टडी करते हैं, तो साथियों उसी को हम करते हैं इम्यूनोलॉजी। अब बात करते हैं माइकोलॉजी। तो साथियों कवकों का जो अध्ययन किया जाता है, कवक यानी कि जब हम बात करेंगे फंगी की, कवक की बात करेंगे तो उनके स्टडी को हम लोग करते हैं माइकोलॉजी। फिर यहाँ पे मोलिकुलर बायोलॉजी है, तो साथियों ध्यान देंगे अणुओं का रासायनिक संरचना, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिएगा स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो अणु है उनके संरचना और जैविक क्रियाओं के अध्ययन को हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं जी, तो मोलिकुलर बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूरो बायोलॉजी का, कि आखिर ये न्यूरो बायोलॉजी होता क्या है। तो साथियों समझने का प्रयास करेंगे आप कि न्यूरो बायोलॉजी होता क्या है। तो तंत्रिका तंत्र एवं कोशिकाओं की क्रियाओं का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र एवं कोशिकाओं के क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरो बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, न्यूरो बायोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजी, तो समझने का प्रयास करेंगे पैथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं। साथियों पैथोलॉजी में हम बात करते हैं बीमारियों के अध्ययन का, यानी कि जब हम बीमारी का अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है पैथोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ब्रांच है फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, यह ब्रांच भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, क्या कहेंगे साथियों, शैवाल का अध्ययन। तो जब हम शैवाल की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों, फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं और भी अन्य ब्रांचेज दिए गए हैं, यानी कि लगभग बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। क्या कहते हैं साथियों, हिंदी में इसे हम लोग वर्गीकी कहते हैं। ओके, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी का, तो जीवों के वर्गीकरण और नामकरण, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमिनक्लेचर, यानी कि जीवों का जो नाम दिया जाता है और उनको अलग अलग समूहों में अलग अलग वर्गों में जो बांटा होता है उसको हम वर्गीकरण कहते हैं, और नामकरण, नाम देने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं, और जीवों के वर्गीकरण और नामकरण के स्टडी को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण का ही स्टडी क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। और साथियों आपके लिए प्रश्न है कि टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग पैरासाइटोलॉजी, नाम से ही साफ जाहिर है कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परजीवी का। तो साथियों परजीवियों के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी, यानी परजीवों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग वायरोलॉजी का, वायरोलॉजी कहने का मतलब विषाणु से संबंधित है। तो साथियों विषाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। अब फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट ब्रांच है वह है बैक्टीरियोलॉजी। तो साथियों जीवाणुओं का अध्ययन को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी।
अब यहाँ पे बैक्टीरिया, किसका स्टडी हम लोग करेंगे? बैक्टीरिया का। तो साथियों बैक्टीरिया से एक प्रश्न है कि बैक्टीरिया खोजा किसने था? खोज जीवाणु का खोज किसने किया था, यह प्रश्न आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया था और नाम किसने दिया था। अब बात करते हैं रेडियो बायोलॉजी की। तो साथियों यहाँ पर रेडियो बायोलॉजी क्या होता है और रेडियोलॉजी, ऐसे आपने सुना भी होगा। रेडियो बायोलॉजी में सजीवों के ऊपर जो रेडिएशन है उसका क्या कार्य होता है, रेडिएशन का जो क्या कार्य होता है हमारे शरीर के ऊपर, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियो बायोलॉजी। यानी कि सजीवों के ऊपर रेडिएशन के यानी कि विकिरण के कार्य का जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं रेडियोलॉजी। अब बात करते हैं ब्रायोलॉजी। तो साथियों ब्रायोलॉजी भी क्या है, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ब्रायोफाइट्स का। किसका अध्ययन करते हैं? ब्रायोफाइट्स का। और साथियों ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। पादप जगत का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि पादप जगत का उभयचर कौन है। पादप जगत का उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम पादप जगत का उभयचर कौन है, तो वह साथियों ब्रायोफाइट्स। अब है नीडो बायोलॉजी। तो साथियों इसमें हम स्टडी करते हैं किसका, सिलेंट्रेट्स का। अब देखिएगा जो सिलेंट्रेट्स होते हैं ना, सिलेंट्रेट्स को हम नीडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सिलेंट्रेट्स को हम लोग कहते हैं नीडेरिया, इसीलिए इसका नाम है क्या, नीडोलॉजी। ठीक है जी, तो स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स इज कॉल्ड नीडोलॉजी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की जो कि है क्रेनियोलॉजी। तो साथियों समझिएगा कि क्रेनियोलॉजी होता क्या है। तो समझिए, देखिए क्रेनियोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं, तो आपने क्रेनियम शब्द सुना होगा। देखिए जैसे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे, हमारा ये जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा ब्रेन है या क्या है, तो एक बॉक्स में क्या है, तो ये बॉक्स से प्रोटेक्टेड होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, ब्रेन बॉक्स। ठीक है जी, इसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। अब जो ब्रेन बॉक्स होता है, यानी कि यहां पे देखिएगा हम लोग किसके स्टडी करने वाले हैं, खोपड़ी की। खोपड़ी के अंदर होता है ब्रेन बॉक्स। तो साथियों खोपड़ी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि मनुष्य कौन सा प्राणी है, तो साथियों आपको हम बता दें कि मनुष्य एक क्रेनिएटा है। और क्रेनिएटा क्यों है, क्योंकि इसका जो, समझिए, इसका जो ब्रेन होता है वह ब्रेन बॉक्स के अंदर उपस्थित होता है। ओके, अब है डेंड्रोलॉजी। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ये डेंड्रोलॉजी मतलब होता क्या है, तो साथियों झाड़ियों एवं पेड़ों का अध्ययन, झाड़ियों एवं पेड़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। फिर यहाँ पे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, तो साथियों भ्रूण का जो निर्माण होता है उसका जो विकास होता है, समझिए भ्रूण एवं उसके विकास का अध्ययन, एम्ब्रियो और उसके डेवलपमेंट के जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उसी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एम्ब्रियो एवं उसके विकास का अध्ययन हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर यहाँ पे है एंडोक्राइनोलॉजी। तो साथियों हमारे शरीर में बहुत प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं किसी न किसी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, और साथियों जो ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि मिलकर के अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं। तो समझिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके स्राव। अब इसका स्राव क्या है, तो साथियों इसका स्राव होता है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव क्या होता है?
हार्मोन होता है। तंत्रस्रावी ग्रंथि और हार्मोन का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ओके, अब एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी है यानी कि इंसेक्ट्स का अध्ययन, यानी कि जब हम किसके स्टडी करेंगे, जब हम इंसेक्ट के स्टडी करेंगे, कीटों का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटोमोलॉजी। और साथियों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब परागण की प्रक्रिया इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली, यानी कि इंसेक्ट से जो पोलिनेशन होता है, क्या होता है साथियों, जो पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है इंसेक्ट से, इसकी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, एंटोमोफिली कहते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं ऊपर, और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं आपके सामने। अब है एंजाइमोलॉजी, समझिए कि ये एंजाइमोलॉजी होता है क्या। तो साथियों एंजाइम्स के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये जो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम एंजाइम्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंजाइमोलॉजी। ठीक है जी। फिर है एटियोलॉजी। अब ये एटियोलॉजी क्या है, तो डिजीज का अध्ययन, ठीक है, डिजीज का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं एटियोलॉजी। ठीक है साथियों, किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, डिजीज का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसका नाम है यूजेनिक्स, वंशागति के नियमों का प्रयोग करके मानव कुल के विकास का अध्ययन। तो साथियों यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कि जो हेरिटेंस के लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वंशागति के जो नियम है उनका प्रयोग करके जो मानव कुल है उनके विकास के अगर हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं साथियों, यूजेनिक्स कहते हैं। अब फिर यहाँ पे यूफेनिक्स। अब ये यूफेनिक्स, यूजेनिक्स, ये सब लोग देखते हैं यूफेनिक्स क्या है, तो जीन अभियांत्रिकी के द्वारा मानव कुल के विकास का अध्ययन, समझिएगा, यानी कि जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मनुष्य के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, मनुष्य के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, तो साथियों उसी को हम लोग कहते हैं यूफेनिक्स। क्या कहते हैं, यूफेनिक्स कहते हैं। अब है यूथेनिक्स, यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन करके मानव कुल के विकास का अध्ययन, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट में इंप्रूवमेंट करके, यानी कि पर्यावरण में क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेंगे, और इंप्रूवमेंट करके जब हम किसकी स्टडी करते हैं, मनुष्य के स्टडी करते हैं, मानव कुल के स्टडी करते हैं, तो साथियों उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं यूथेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, यूथेनिक्स कहते हैं। ओके जी, अब यहां पर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन समझिएगा, पृथ्वी पर जीवों के उत्पत्ति का अध्ययन, यानी कि जब हम बात करेंगे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो साथियों इसी के, यानी कि जीवों के उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इवोल्यूशन कहते हैं। ओके जी, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे फ्लोरिकल्चर। साथियों फ्लोरिकल्चर ये भी बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरिकल्चर, पुष्प के खेती का अध्ययन, स्टडी ऑफ यील्डिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो पुष्प है उनकी हम खेती करते हैं, तो साथियों उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोरिक कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब है गायनेकोलॉजी। तो साथियों मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, किसके स्टडी करते हैं साथियों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा का जो प्रजनन तंत्र होता है, प्रजनन अंग होते हैं, उनके स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजी। अब रहा यहां पे एंड्रोलॉजी का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रोलॉजी। तो साथियों यहां पर हम जब हम बात करते हैं नर प्रजनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो साथियों उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोलॉजी। क्या कहेंगे, एंड्रोलॉजी कहेंगे। ओके जी, नर जनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है। ओके, अब आपके सामने है कुछ और ब्रांचेज जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि साथियों हीमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, यानी कि जिस शाखा में हम रक्त का अध्ययन करते हैं तो साथियों उसको हम लोग कहते हैं हीमेटोलॉजी। अब है कार्डियोलॉजी,
यानी कि हृदय का अध्ययन, जिसमें हम हार्ट से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, हार्ट का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियोलॉजी। फिर यहाँ पे साथियों है हेलमिंथोलॉजी। क्या है हेलमिंथोलॉजी? यानी कि हेलमिंथिस जो होते हैं ना, हेलमिंथिस उनके स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हेलमिंथोलॉजी। अब फिर है हिपेटोलॉजी। तो साथियों हेपर, हेपर का नाम सुना होगा, और हेपर कहने का मतलब होता है लीवर। समझिए, देखिए एक होता है हेपर, और हेपर का मतलब ही क्या होता है, लीवर यानी कि यकृत। और यकृत के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हिपेटोलॉजी कहते हैं। ओके जी, अब देखिए, अब यहाँ पे है महत्वपूर्ण की हर्पेटोलॉजी। समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर्पेटोलॉजी। ये हर्पेटोलॉजी है क्या? तो सरीसृपों का, यानी कि जब हम बात करेंगे वैसे जीवों के अध्ययन की जो कि रेंग कर चलते हैं साथियों, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं, यानी कि हम लोग उन्हें कहते हैं सरीसृप। यानी कि जब हम सरीसृप के अध्ययन करेंगे जिस ब्रांच में, उसको हम लोग बोलेंगे हर्पेटोलॉजी। और साथियों नेक्स्ट है हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री, आपने हिस्टोलॉजी शब्द का नाम सुना होगा, जिसको हम आने वाले समय में बात जरूर करेंगे। तो साथियों हिस्टोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला करके बनता है हिस्टोकेमिस्ट्री। और हिस्टोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऊतकों के रासायनिक प्रकृति का, यानी कि जो टिश्यूज हैं उनके हम केमिकल नेचर की स्टडी करते हैं साथियों, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री। ओके, अब देखिए, अब है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी इसमें साथियों हम समझते हैं कि पैलियंटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो पैलियंटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं फॉसिल्स का, जीवाश्म का, यानी कि वैसे जीवों के ये अवशेष होते हैं जो कि इस पृथ्वी पर बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व थे, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, मिट्टी में दब गए, उनका शरीर गल गया, और गलने के बाद उनके शरीर के कुछ अवशेष बच गए, या तो भूमि में दबे हुए पाए जाते हैं, या चट्टानों के ऊपर इंप्रेशंस के रूप में, छाप के रूप में पाए जाते हैं। तो साथियों उसे ही हम कहते हैं जीवाश्म, और जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पैलियंटोलॉजी। ओके, क्लियर है जी। अब बात करते हैं कैरियोलॉजी का। तो साथियों कैरियोलॉजी, कैरियोन शब्द का आपने नाम सुना होगा, कैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है साथियों न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का हिंदी होता है क्या? केंद्रक। यानी कि साथियों जब हम किसकी बात करेंगे, केंद्रक की बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरियोन, ठीक है, कैरियोन, नॉट कि कैरियो, कैरियोलॉजी, ठीक है, केंद्रक का अध्ययन। फिर यहाँ पे है लाइकेनोलॉजी, जिसमें हम लाइकेंस का स्टडी करेंगे। अब लाइकेंस क्या है साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेलेकोलॉजी, जिसमें हम मोलस्का का अध्ययन करते हैं। मास्टोलॉजी, जिसमें हम ब्रेस्ट एवं उससे संबंधित बीमारी का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो फीमेल में ब्रेस्ट होती है, अस्तन जिसको हिंदी में कहते हैं, उनकी स्टडी और उनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग मास्टोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं मेमोलॉजी। तो साथियों अस्तनधारियों का अध्ययन, अस्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ मैमल्स, जो जीव क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मैमल्स। क्या कहते हैं साथियों? मैमल्स कहते हैं, और मैमल्स के स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या? मैमोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं साथियों? मैमोलॉजी कहते हैं। ओके, अब और हम बात करते हैं अन्य ब्रांचेस की। ओके, जो नेक्स्ट ब्रांच आपके सामने है वह है न्यूरोलॉजी। देखिए न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, जब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम का, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोलॉजी, ठीक है जी। नेफ्रोलॉजी, जब हम किडनी का अध्ययन करेंगे, उसको नेफ्रो। ओडोंटोलॉजी, जब हम दांत का अध्ययन करेंगे। ओलेरिकल्चर, सब्जी वाले पौधे का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलेरिकल्चर, ठीक है जी। नोजोलॉजी क्या है? बीमारियों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं नोजोलॉजी। फिर ऑन्कोलॉजी क्या है साथियों? तो ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। फिर ओनेरोलॉजी क्या है? जिसमें हम ड्रीम्स यानी कि स्वप्न, जो हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, उनके स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओनेरोलॉजी। ऊलॉजी, पक्षियों के अंडा का अध्ययन, यानी कि बर्ड्स के जो एग होते हैं उनके स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऊलॉजी। और साथ ही ऑप्थैल्मोलॉजी, ऑप्थैल्मोलॉजी यानी कि जो हमारी आंखें हैं उनके स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑप्थैल्मोलॉजी, यानी कि आंखों का अध्ययन। फिर है ऑर्गेनोलॉजी, अंगों के संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, जब हम किसकी बात करेंगे साथियों, तो जो हमारे अंग है उनके संरचना
और उनके जो फंक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे, तो साथियों उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोलॉजी कहेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, तो साथियों पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। और जब पक्षियों के द्वारा क्या होता है, परागण की प्रक्रिया होती है यानी कि पोलिनेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यानी कि जब पोलिनेशन किसके द्वारा होगा साथियों, पक्षियों के द्वारा होगा, तो उसको हम लोग ऑर्निथोफिली। ओके साथियों, अब हम बात करते हैं अब कुछ और ब्रांचेस की। साथियों वीडियो हम चाहेंगे छोटा से छोटा हो, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक ही वीडियो देखने हैं जिसमें आपके क्या हो जाएंगे, 100 ब्रांचेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए ऑस्टियोलॉजी किसकी बात करेंगे, अस्थियों का स्टडी करते हैं उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फिर आपका पीडियोलॉजी यानी कि लार्वा जो अवस्थाएं होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम लोग पीडोलॉजी या पीडोजेनेसिस यानी कि लार्वा फॉर्मेशन होता है। फिर है पैलियोलॉजी जिसमें हम जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। फिर है पैलिनोलॉजी जिसमें परागकणों का अध्ययन करते हैं साथियों। फिर पाराजियोलॉजी जिसमें हम स्पंज का अध्ययन करते हैं। फिर पीडोलॉजी जिसमें हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। फार्माकोलॉजी साथियों दवाओं के निर्माण एवं जीवों के ऊपर उसके जो प्रभाव होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। फिर यहाँ पे फाइलोजेनी यानी कि विकासीय इतिहास का अध्ययन यानी कि जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है हमारी। और साथियों अगर आप चाहते हैं मनुष्य के इवोल्यूशन के बारे में देखना, मनुष्य के इवोल्यूशन के बारे में जानना, तो आप इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन करके, जिसमें आपको मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ है हर एक बात को बताया गया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो साथियों आप उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। अब है पीसी कल्चर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मछली पालन का। फिर है प्लेटी हेलमिंथोलॉजी, तो साथियों इसमें हम बात करते हैं फ्लैटवर्म्स का, किसकी फ्लैटवर्म्स है यानी कि जो फीता कृमि होते हैं उनके स्टडी हम लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, प्लेटी हेलमिंथोलॉजी कहते हैं। फिर है पोमोलॉजी, तो साथियों पोमोलॉजी में हम बात करते हैं किसका, तो फल का अध्ययन यानी कि जब हम फ्रूट्स के स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे पोमोलॉजी। फिर यहाँ पे प्रोटिस्टोलॉजी साथियों किसका स्टडी करेंगे, तो प्रोटिस्टा का स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटिस्टोलॉजी। ओके आपको याद करते चलना है। ओके अब देखिए अब है टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का स्टडी करते हैं, किसके स्टडी करते हैं साथियों, टेरिडोफाइट्स का स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोलॉजी। ओके यहां पर टेरिडोलॉजी नहीं टेरिडोफाइट्स होगा। ओके जी हाँ, अब है ऑफियोलॉजी, तो साथियों हमने हर्पेटोलॉजी की बात किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था रेप्टाइल्स के बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा ऑफियोलॉजी है, तो सांपों का अध्ययन करते हैं, स्नेक्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग ऑफियोलॉजी कहते हैं। फिर यहाँ पे है सिल्वीकल्चर, ये भी महत्वपूर्ण है वन के विकास का, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट के स्टडी करते हैं साथियों, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सिल्वीकल्चर कहते हैं। अब है एस्पर्मोलॉजी यानी कि हम लोग बात करेंगे सीड्स का, बीज का, जब हम बीज का स्टडी करते हैं तो साथियों उसको हम लोग बढ़ते हैं क्या कहते हैं जी, एस्पर्मोलॉजी कहते हैं। फिर ट्राइकोलॉजी बाल का अध्ययन यानी कि जो हमारे हेयर्स है ना उनके स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। फिर यहाँ पे जू जियोग्राफी, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन यानी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, किस जगह पे किस कैसे जीव है, यानी कि किस जगह पर कितने प्रकार के जीव हैं, कौन कौन से जीव है, उनकी संख्या कितनी है, इन्हीं सबको हम स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं जियो जियोग्राफी जी। अब है साइटोजेनेटिक्स, तो साथियों साइटोजेनेटिक्स साइटोलॉजी और साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स यानी कि साइटोलॉजी और जो जेनेटिक्स है उसका सम्मिलित रूप है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए संरचना का अध्ययन, कोशिका के केंद्रक यानी कि साइटोलॉजी
और डीएनए संरचना का अध्ययन के जेनेटिक्स, तो कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए के संरचना का अध्ययन करते हैं साथियों, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स। ओके, अब है इथियोलॉजी। अब है इथियोलॉजी यानी कि इसमें हम बात करते हैं मछलियों का अध्ययन। किसके स्टडी करेंगे साथियों? मछली का स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे इथियोलॉजी। ओके जी, अब है फाइटोजियोग्राफी यानी कि पृथ्वी पर पौधों के वितरण का, पौधों के वितरण का। एक बार हमने जंतुओं के वितरण की बात की थी जिसको हमने जू जियोग्राफी कहा था, अब यहाँ पे फाइटो जियोग्राफी यानी कि फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। तो पृथ्वी पर पौधे के वितरण का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या साथियों? उसको बोलेंगे फाइटो जियोग्राफी। फिर यहाँ पे पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी का मतलब होता है पादपों के जीवाश्म का अध्ययन, पादपों के जीवाश्म की मदद से प्राचीन पौधों का अध्ययन। ध्यान देंगे जी, पादपों के जीवाश्म की मदद से जब हम प्राचीन पौधों का अध्ययन करेंगे साथियों, तो उसको हम बोलेंगे पेलियोबोटनी। क्या बोलेंगे? पेलियोबोटनी। ओके जी, चलिए कुछ और ब्रांचेज हैं जैसे कि है साइकोबायोलॉजी। ओके, ये तो नहीं आना था। साइकोबायोलॉजी यानी जंतुओं के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जब जंतुओं के जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनके स्टडी हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उनको हम कहते हैं साइकोबायोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? साइकोबायोलॉजी कहते हैं। अब है सार्कोलॉजी, तो शरीर के मुलायम एवं मांसल भाग का अध्ययन, यानी कि मसल्स कह सकते हैं जी, शरीर के मुलायम एवं मांसल भाग का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सार्कोलॉजी। ओके, अब है सिंडेस्मोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी हड्डियों के जोड़ एवं लिगामेंट्स का अध्ययन, यानी कि जो टेंडन लिगामेंट्स इत्यादि होते हैं और ये जो बोन्स होते हैं उनके स्टडी, बोन्स के ज्वाइंट्स, बोन्स नहीं, उनके जो बोन्स के ज्वाइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो साथियों उसको हम लोग कहते हैं सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। फिर यहाँ पे है हिस्टोलॉजी, क्या आखिर हम हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं साथियों? जब हम उत्तक की बात करते हैं, टिश्यूज की बात करते हैं, तो उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं उत्तक। सेल के ग्रुप बनते हैं और ग्रुप को हम कहते हैं साथियों टिश्यूज। अब फिर इथोलॉजी, अब इथोलॉजी में किसकी बात करते हैं? तो जीवों के बिहेवियर का। एथिक्स आपने सुना होगा, जंतुओं के, जीवों के नहीं साथियों, जंतुओं के व्यवहार का, बिहेवियर का अगर हम बात करते हैं, स्टडी करेंगे उसकी, तो उसको हम लोगे इथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। फिर है यहाँ पे एग्रोनॉमी यानी कि भोजन के लिए पौधे को उगाने यानी कि कृषि की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्रोनॉमी। एपिकल्चर वेरी हिट क्वेश्चन है, एपिकल्चर मधुमक्खियों के पालन का विज्ञान, मधुमक्खियों के पालन का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ कल्चरिंग ऑफ हनी बीज, फॉर किसके लिए? हनी के लिए, जब हम हनी के लिए और उनके मोम के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं साथियों, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिकल्चर। और मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है, कॉमन नाम क्या है साथियों? कॉमन नाम है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्सोबायोलॉजी, तो साथियों अंतरिक्ष में जीवन के संभावना का अध्ययन, अंतरिक्ष में कहीं भी किसी भी ग्रह पर अगर क्या है जीवन की संभावना है उसकी हम स्टडी करते हैं साथियों, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। अब है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी देखिए जीवों का प्रयोग करके मनुष्य के लिए आवश्यक उत्पाद बनाने का विज्ञान, जीवों का प्रयोग करके मनुष्य के लिए आवश्यक उत्पाद बनाने का जो विज्ञान होता है साथियों, उसको हम लोग कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन यानी कि बोन्स का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब वहां पर था ओडोंटोलॉजी होता है एक साथियों, ओडोंटोलॉजी हम किसके स्टडी करते हैं? टीथ का। अब यहाँ पे सरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सरोलॉजी किसकी बात करेंगे हम लोग साथियों? छिपकली का। मिर्मिकोलॉजी यानी कि हम लोग चींटियों की बात करते हैं तो मिर्मिकोलॉजी हो जाएगा। फिर चिरप्टेरोलॉजी, इसमें हम चमगादड़ का अध्ययन करेंगे। फिर एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानवता का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। और अंत जो हमारा है वह है न्यूरोसाइंस,
जिसमें हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया 100 ब्रांचेस यानी 100 प्लस ब्रांचेस के बारे में। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपके इस क्लास का एक भी मिनट वेस्ट नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 नहीं 20 नहीं जबकि पूरे 100 ब्रांच को डिस्कस किया। तो साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जीव विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हुए और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो प्रश्न है उनका प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहिए,